वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। इस पर पतंजलि योग पीठ को सफाई देनी पड़ी है। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा लगाए गए उन तमाम इल्जामों को पतंजलि योग पीठ ने शनिवार को खारिज किया कि योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ अज्ञानतापूर्ण बयान देकर लोगों को गुमराह किया और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो का हवाला देते हुए आईएमए ने कहा था कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। इससे पहले आईएमए के एक बयान में यह भी कहा गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी और वैज्ञानिक चिकित्सा के खिलाफ अज्ञानता भरा बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।